गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक, इससे पहले जो भी डिस्कशन हम लोग इरेशनल नंबर्स इरेशनलाइजेशन के बारे में कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ क्वेरीज आई हैं, पहले आज उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इरेशनलाइजेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6। देखिए, आप इसको पहले डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1/2, इसका मतलब हुआ 0.5, क्या आगे जीरो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन नंबर है 5/6, इसको आप लिखना चाहेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो पॉइंट यानी 0.6 एट जा 48, यहाँ 2 आएगा, 0.63 = 18, 20.63 = 18, 0.833। हाँ, याद रखिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। सबसे पहले देखिए, इसका 1/2 का रिप्रेजेंट 0.50 और इसका देखा जाए 0.833333 एंड सो ऑन। अब इसके बिटवीन हमें इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग आर नॉन रिपीटिंग। तो इसके बीच 50 और 83 के बीच कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0.54 या 0.72, 0.81। क्लियर? इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में कुछ भी, जैसे 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। यहां पर 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 5 एंड सो ऑन। सेम यहां पे लिख सकते हैं 0, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2 एंड सो ऑन। ये आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6। इसके बाद हमें निकालना है √3। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई है वीडियोज में कि वो बच्चे जो है √3 और √6 की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, जो कि आप क्लास 8th में डिस्कस कर चुके होंगे। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ √6 की वैल्यू। देखिएगा, √6 में 6 यहां लिखेंगे, पॉइंट के बाद हम पेयर के फॉर्म में 0 इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 के पेयर्स बना लिए, 6 अकेला है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 6 है, 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 3 3 = 9 इससे ग्रेटर हो रहा है, तो क्या लेंगे, 2 2 = 4। यहां 2 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे और यहां 2 लिखेंगे, 2 × 2 = 4, 6 − 4 = 2। यह पॉइंट लगाएंगे, आगे दोनों 0। 2 की टेबल 2 + 2 = 4। अगर 4 की टेबल देखे 20 में 5 times, लेकिन 5 अगर लिख दे तो ज्यादा हो जाएगा, कितने टाइम ले जाएंगे, 4 times 4 = 4, यह आपका आ जाएगा 176। दिस इज 40, इसका सम 48 आएगा, आगे 2 0 हो, 4 की टेबल 24 में जाएगा 6 times, लेकिन अगर 6 times टेबल पढ़ेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा नंबर, इसको कितने टाइम ले जाएंगे, 5 5 5 5 5 = 25 5 = 40 और 2 और 5 4 = 20 और 4 = 24, तब भी ज्यादा हो रहा है, इसको कितने टाइम ले जाएंगे, ओनली 4 times, हाउ मेनी टाइम्स, 4 times। ये देखिए 4 है ना, 4 ये लिखा है, 4 4 = 16, 4 8 = 32 1 33, 4 4 = 16 3 19, 10 − 6 = 4, 9 − 3 = 6, 13 − 9 = 4, तो ये आएगा 4 8 8 एंड सो ऑन। आप ऐसे करते चले जाएंगे, तो रूट
थ्री की वैल्यू क्या थी, हमने आपको बताया था वन, सेम प्रोसीजर से निकलेगा 1.73 एंड वी कैन फाइंड रूट सिक्स इक्वल टू 2.44 एंड सो। अब हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है थ्री, तो 1.73 से 2.44 में कुछ भी फाइंड कर सकते, सपोज दैट 1.85, 1.98 और 2.32 नंबर हो गए, इसके बिटवीन हो गए। अब आगे 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 एंड सो ऑन, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4 क्लियर। ये हो गए आपका रूट सिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे आप क्लास एट में स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड्स पढ़ा था, उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले सिक्स लिखा, आगे कोई डिजिट नहीं, पॉइंट लगा के 0, 0, 0 चाहे इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए उसका पेयर बनाते हैं, पॉइंट इधर पेयर इधर से बनता है और पॉइंट का पेयर इधर से बनता है। फिर पहली बार जो टेबल देखते हैं वो स्क्वाडिंग देखते हैं, 1, 1 जा 1, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9 तो देखना 3, 3 जा 9 इससे ज्यादा, इसलिए इससे पहले आएंगे 2, 2 जा 4 यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखा, 2 into 2, 4 यहां लिखा, इसका सब यहां लिखा, 6 minus 4, 2 आगे का पूरा पेयर कर रहा है 0, 0 फिर ये 4 हुआ, 4 की टेबल 25 टाइम, लेकिन यहाँ बगल में 5 लिखते हैं, यहाँ 5, 45, 5 या 225 इससे ग्रेटर नंबर, इसलिए 4 लिखा, 4, 4 जा 16 plus 1, 17, 176 10 minus 6, 4, 9 minus 7, 2, 4, 0, 0 अब देखिए 48 है, 48 की टेबल देखेंगे, 4 की टेबल 24 में 6 टाइम जाएगी, तो उससे कम ले जाएंगे 5 टाइम भी ज्यादा 4 टाइम ले गए, तो 4 से करके आपको ये आ गई वैल्यू रूट 6 की, क्लियर है। अब इसके बाद क्लियर हो गया होगा, नहीं तो अगर और भी प्रैक्टिस करिएगा, टॉपिक आपका है ये स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड है। फिर इसमें हम आगे करेंगे, एक क्वेश्चन और हमारे पास है उसको देखिएगा। दिस इज बेस्ड ऑन द रेशनलाइजेशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में नियर अबाउट आते हैं मैक्सिमम टाइम। गिवन है इफ रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्लियर। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपका देखिए एलएचएस है, ये आरएचएस है, एलएचएस आपका रेशनलाइज नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। फर्स्ट रेशनलाइज इट, देखिएगा रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3 हमने आपसे कहा था मल्टीप्लीकेशन जो नीचे रहते हैं नंबर्स उसी में से बीच का साइन चेंज कर देते हैं केवल। दिस इज 3√2 माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6। अब देखिए दो ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको पता है रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन पूरे ब्रैकेट में करेंगे, रूट 2 इंटू 3√2 प्लस 2√3 प्लस रूट 3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। ये समझ में आ गया। देखिएगा इसका इंटू करते हैं, थ्री इंटू रूट टू टू प्लस टू रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स। ये आएगा थ्री रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री अपॉन इसका स्क्वायर आएगा थ्री का स्क्वायर नाइन रूट टू का स्क्वायर टू नाइन टू जा एटीन टू का स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री टू जा सिक्स प्लस टू प्लस थ्री फाइव रूट सिक्स प्लस थ्री प्लस टू थ्री टू जा सिक्स अपॉन एटीन माइनस ट्वेल्व सिक्स। सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। याद है समझ में आ गया। पहले क्या किया, रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं उनके बिटवीन साइन चेंज कर, यह माइनस है तो प्लस लगा के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। रूट टू का इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में किया, रूट थ्री का इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में किया, नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट टू का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में प्लस रूट थ्री का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में रूट टू इंटू रूट टू 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 इंटू थ्री सिक्स रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स टू रूट सिक्स रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स थ्री रूट सिक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री टू थ्री टू इंटू थ्री। तो ये आपका आ गया सिक्स प्लस फाइव रूट सिक्स प्लस सिक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। आगे समझिएगा इसको, हम इसी लाइन के ऊपर लिखते हैं एक बार, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस फाइव रूट सिक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। देखिएगा ट्वेल्व अपॉन सिक्स प्लस फाइव अपॉन सिक्स रूट सिक्स इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। ये आएगा टू प्लस फाइव बाई सिक्स रूट सिक्स इक्वल टू ए माइनस बी रूट सिक्स। ए इक्वल टू टू और बी इक्वल टू, देखिए रूट सिक्स के साथ क्या है माइनस बी सॉरी, और यहां रूट सिक्स के साथ क्या है फाइव बाई सिक्स। ए बराबर टू और ये आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई सिक्स। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर। अब इसमें समझिएगा कि ये आपको हमने आज जो पढ़ाया है इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, इसे समझिएगा और इसमें क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्रोवाइड करेंगे होमवर्क।